गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक वी वर डिस्कसिंग अबाउट हम जो चैप्टर था लाइफ लाइन एंड इंडियन या नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो बताया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें। तो पहले मैं बचा हुआ पोर्शन पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। आफ्टर दैट फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द रिमेनिंग पार्ट, वो है आज हम लोगों का पढ़ा। कल हम लोगों ने एयरवेज पढ़ लिया था, कल हम लोगों ने जो ख़त्म किया था बच्चों वो एयरवेज ख़त्म किया था, एयरवेज पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को पढ़ना है कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना बेटा? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पढ़ना है। और कम्युनिकेशन के बाद बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को टूरिस्ट का पार्ट पढ़ना है, टूरिज्म का पार्ट पढ़ना है। और आफ्टर दैट हम इस पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ करता है शेयरिंग आवर आइडियाज विद द पीपल, अदर पीपल के साथ हम अपने आइडियाज़ को जो शेयर करते हैं, वो कह सकते हैं इमोशंस के साथ जो हमने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ आवर आइडियाज़ या देयर आइडियाज़ विद द अदर पीपल्स इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो समझ में आया, कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ देयर आइडियाज़ या आइडिया ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन के आइडिया को, अपने आइडियाज़ को, या शेयरिंग ऑफ देयर ओन आइडियाज़ टू द अदर पीपल इज नोन एज ए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेटे दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन बेटे, पर्सनल कम्युनिकेशन। और एक बच्चों हम लोगों को होता है मास कम्युनिकेशन। ये हमारे पास दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं बच्चों। एक हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और दूसरा कम्युनिकेशन जो होता है वो बेटा मास कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल हम बता दें बेटा कि पर्सनल कम्युनिकेशन के मेन कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे बेटे आपका लेटर है, लेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अपने लेटर के थ्रू हम अपने आइडियाज़ एक पर्टिकुलर पर्सन से शेयर कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों से शेयर कर रहे हैं उसे, जैसे। तो ये हो गया हमारा लेटर। इसके बाद बच्चों टेलीफोन या मोबाइल टेलीग्राम। ये बच्चों पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हमने अपने आइडियाज एक पर्सन से या लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन से, वेरी फ्यू नंबर ऑफ पर्सन से, लिमिटेड पीपल से शेयर करते हैं, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। व्हेन ए पर्सन कम्युनिकेट या शेयर देयर आइडियाज विद लिमिटेड पर्सन्स और ए पर्सन या ग्रुप ऑफ सम पर्सन को, तो ऐसे कम्युनिकेशन को बच्चों हम लोग कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन बेटे जब एक आदमी एक साथ हजारों लाखों लोगों से एक साथ कम्युनिकेट में होता है तो इसे कहते हैं बेटा मास कम्युनिकेशन। व्हेन ए पर्सन शेयर देयर आइडियाज A large number of people at the same time is known. as a mass communication. तो बेटा personal communication and mass communication में आपको difference समझ में आया। Personal communication कहते हैं जब when a person communicate their ideas with same time with the large number of the people is known as a mass communication. मास कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इज क्लियर दैट मास कम्युनिकेशन व्हेन ए पर्सन कम्युनिकेट देयर आइडियाज, व्हेन ए पर्सन शेयर देयर आइडियाज एट द सेम टाइम विद अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इज नोन एज ए मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है बच्चों, जैसे आप लोगों का मीडिया है, पेपर में देखो एक आदमी जो बोलता है एक साथ ढेर सारे लोग उसको पढ़ लेते हैं और कम्युनिकेट कर लेते हैं। या मास कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है बेटा टेलीविजन है। या मास कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल आपका बच्चों है जो रेडियो है, रेडियो आपका मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। या आपका इंटरनेट है,
नेट, ये मास कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशन में मैंने दो टाइप के कम्युनिकेशन बताया, एक मैंने बताया था पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मैंने बताया था मास कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन जब व्हेन ए सिंगल पर्सन शेयर देयर आइडियाज विद अ लार्ज नंबर ऑफ द व्हेन ए पर्सन शेयर देयर आइडियाज एट द सेम टाइम वेरी फ्यू या पर्सनल ए पर्टिकुलर पर्सन या वेरी फ्यू पर्सन, तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा पर्सनल कम्युनिकेशन। और ये लिमिटेड लोगों से इसमें कम्युनिकेट होते हैं आइडियाज। इसके एग्जांपल जैसे लेटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, टेलीग्राम है, ये बच्चों आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है। और मास कम्युनिकेशन व्हेन ए पर्सन कम्युनिकेट देयर आइडियाज विद लार्ज नंबर ऑफ द पीपल एट द सेम टाइम, उसे हम लोग कहते हैं बेटा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है जैसे पेपर है, टेलीफोन है, रेडियो है, इंटरनेट है। इंटरनेट में हमने अपनी कोई चीज़ वायरल कर दिया, पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेट हो गया बच्चों, हमारी आइडिया से परिचित हो गया। या हमने रेडियो के थ्रू कोई चीज़ रिले करा दिया, पूरा वर्ल्ड ने क्या कहते हैं देख लिया। तो ये बच्चों कम्युनिकेशन, मैं आपको बता दूँ बच्चों जो कम्युनिकेशन के साधन है रेडियो एंड टेलीविजन, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे रेडियो बेटा, रेडियो में जो भी हम कम्युनिकेशन या जो भी प्रोग्राम रिले किए जाते हैं, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो के थ्रू जो मतलब प्रोग्राम रिले किए जाते हैं इनकी ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है। बच्चों रेडियो के थ्रू जो भी प्रोग्राम रिले किए जाते हैं, इन सारे रेडियो के चैनल जो होते हैं, चाहे जो भी चैनल हो, इनको ऑल इंडिया रेडियो बेटे इनकी ब्रॉडकास्टिंग ऑल इंडिया रेडियो करता है। आप लोग ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ऑल द चैनल्स ऑफ द रेडियो आर ब्रॉडकास्ट बाई, या इनकी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है आर परफॉर्म बाई या कंट्रोल बाई, ये सारे चैनल्स कंट्रोल बाई ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो के सारे चैनल्स ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और इसी तरीके से बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे या मैं पढ़ाऊंगा या आप सर ने पढ़ाया होगा, मनी एंड क्रेडिट में मैं पढ़ाऊंगा कि मनी एंड क्रेडिट में सारे बैंकों को, जैसे इंडिया के सारे नेशनल या प्राइवेट बैंकों का जो भी बच्चों कंट्रोलिंग है पावर है वो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटे सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, सारे बैंकों की ब्रॉडकास्टिंग करता है। सेम तरीके से जो हमारा रेडियो में बेटा ऑल इंडिया रेडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का जो ये चैनल है जो सारे चैनल की ब्रॉडकास्टिंग करता है रेडियो के लिए। और टीवी में बेटा टीवी टेलीविजन में जो भी टेलीविजन में जो भी मतलब प्रोग्राम्स आते हैं या जो भी चैनल हैं इनकी ब्रॉडकास्टिंग बेटा डी डी वन या दूरदर्शन डी डी वन या दूरदर्शन के थ्रू बेटा इनकी सारे क्या कहते हैं चैनल की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। सारे चैनल्स बेटे DD1 या इनके थ्रू ही ब्रॉडकास्ट होते हैं, इनके थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, याद रखना। बस बच्चों इसमें इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में, बस आपको इतना याद रखना है। पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल या मास कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल, मास कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, ये याद रखना है। और जो चैनल्स हैं ऑल इंडिया रेडियो की ब्रॉडकास्ट, सारे चैनल की ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, ये याद रखना है। और टेलीविजन के सारे चैनल की ब्रॉडकास्टिंग कौन करता है, चाहे मेट्रो चाहे राजधानी चैनल हो, जो भी चैनल्स हो, ऑल द चैनल्स आर ब्रॉडकास्ट बाई डी डी वन दूरदर्शन, जो DD1 है दूरदर्शन है, यही इसी के थ्रू बेटा टीवी के सारे चैनल की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो आगे चलेंगे DD1 के बाद के जो चलेंगे, तो वो बेटा हम लोगों का आगे टॉपिक आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेटा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब कंट्री बेटे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बेटे मतलब एक्सटेंशन को अपने कंट्री की बाउंड्री को पार कर जाता है, कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है बेटा उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इसमें जो टेक्निकल टर्म है, अभी आप लोगों को पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो बताया नहीं जाना कि कितने का इम्पोर्ट है, कितने का एक्सपोर्ट है, इंडिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इम्पोर्ट करता है। तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं बेटा कि इंडिया के पास पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से इंडिया पेट्रोलियम की इंडिया के पास कमी है, तो इस वजह से इंडिया सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम की इम्पोर्टिंग करता है बेटा, और वो भी अरब कंट्री के साथ करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है, तो वो पढ़ना है बच्चों एक टेक्निकल टर्म है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है, उसी को आपको केवल पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज बेटा इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर नॉर्मली हम डिफाइन करें व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इट कैन बी डिफाइंड सच ए वे दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मटेरियल गुड्स
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड एमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बच्चों WTO का फॉर्मेशन किया गया है 1968 में। बच्चों WTO का फॉर्मेशन किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज द पार्ट ऑफ 1968 में इंडिया 48 कंट्रीज ने मिलकर के बच्चों WTO का फॉर्मेशन किया। WTO का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड का जो फॉर्मेशन किया गया वो 1968 में किया गया, और इसका इंडिया बेटा इसका फाउंडर मेंबर्स है, इंडिया WTO का फाउंडर मेंबर है। जब इसकी फाउंडिंग के लिए इसको बनाया गया तब बेटा इंडिया इसका एक मेंबर था, और फाउंडर मेंबर था यानी बनाने के समय भी इंडिया इसका एक मेंबर था, फाउंडर मेंबर है। तो WTO बेटा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं, समस्याएं हैं उनको बेटा दूर करने की कोशिश करता है, और इंटरनेशनल ट्रेड को या लिबरलिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रमोट करता है, लिबरलिज्म या इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाली सारी डिफिकल्टीज को रिमूव करने की कोशिश करता है। तो बच्चों मैं बताया रहा था कि इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो ये टेक्निकल टर्म बेटा दो टेक्निकल टर्म है, एक बेटा क्या होता है फेवरेबल ट्रेड क्या होता है और अनफेवरेबल ट्रेड क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में आपको दो चीजें याद रखना है, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको दो चीजें याद करना है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें आपको याद रखना है, एक फेवरेबल ट्रेड क्या होता है और एक अनफेवरेबल ट्रेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट यही है। तो बेटे याद रखना कि फेवरेबल ट्रेड उसे कहते हैं जब हम इम्पोर्ट, जब कोई कंट्री इम्पोर्ट कम का करता हो और एक्सपोर्ट ज्यादा का करता हो, व्हेन ए कंट्री इम्पोर्ट ज्यादा का करता हो, कम का करता हो और एक्सपोर्ट ज्यादा का करता हो, मतलब ज्यादा का ज्यादा पैसे भेज करके कमाई करता हो और कम पैसे खर्च करके इम्पोर्ट करता हो तो उसे बेटा कहते हैं फेवरेबल ट्रेड। तो फेवरेबल ट्रेड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में खूब पूछा जाता है व्हाट इज फेवरेबल ट्रेड एंड व्हाट इज अनफेवरेबल ट्रेड। तो बेटा फेवरेबल ट्रेड व्हेन ए कंट्री का इम्पोर्ट, व्हेन कंट्री हैज मोर इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, व्हेन ए कंट्री एक्सपोर्ट मटेरियल्स इन लार्ज अमाउंट बट इम्पोर्ट उसका कम मटेरियल का होता है तो उसे हम लोग बेटा फेवरेबल ट्रेड कहते हैं। फेवरेबल ट्रेड को डिफाइन करने की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो बेटा, जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा का करे, मतलब भेजे ज्यादा का और इम्पोर्ट कम का करे, यानी कंजप्शन कम करे और मतलब ट्रेड एक्सपोर्ट ज्यादा का करे, ऐसे कंट्री को बेटा इंटरनेशनल फेवरेबल ट्रेड कहते हैं। तो फेवरेबल ट्रेड क्या होता है, जब हमने कंट्री एक्सपोर्ट लार्ज वैल्यूएबल मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट लेस अमाउंट ऑफ द मटेरियल्स तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा इंटरनेशनल फेवरेबल इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका जस्ट होता है जब कोई कंट्री बेटे ज्यादा का इम्पोर्ट करता हो और कम का एक्सपोर्ट करता हो, ज्यादा का इम्पोर्ट करता हो कम का एक्सपोर्ट करता हो उसे कहते हैं बेटा अनफेवरेबल ट्रेड। तो ये टेक्निकल टर्म है, इन दोनों के बस यही वर्ड इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में यही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फेवरेबल ट्रेड एंड व्हाट इज अनफेवरेबल ट्रेड। तो जब कोई कंट्री ज्यादा अमाउंट का एक्सपोर्ट करता है, कम अमाउंट के मटेरियल को इम्पोर्ट करता है, मीन्स मेरे कहने का मतलब है उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट कम है, व्हेन ए कंट्री हैज मोर एक्सपोर्ट बट लेस इम्पोर्ट, ऐसे कंट्री के ट्रेड को फेवरेबल ट्रेड कहते हैं, और व्हेन ए कंट्री हैज मोर इम्पोर्ट बट लेस एक्सपोर्ट उस कंट्री के ट्रेड को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं अनफेवरेबल ट्रेड कहते हैं। तो आप लोग क्लियर हुआ फेवरेबल ट्रेड क्या है, अनफेवरेबल ट्रेड क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको याद रखना है। फेवरेबल ट्रेड जब कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा का अमाउंट का होता है, इम्पोर्ट कम अमाउंट का होता है तो उसे फेवरेबल ट्रेड कहते हैं। अनफेवरेबल ट्रेड जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा का करता है, इम्पोर्ट ज्यादा का करता है, एक्सपोर्ट कम का करता है तो उसे हम लोग अनफेवरेबल ट्रेड कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है बच्चों कि जो टूरिस्ट है उसको बेटे आज टूरिस्ट को एक कंट्री हर कंट्री बेटे टूरिज्म को हर कंट्री बच्चों आप हर कंट्री एक ट्रेड या एक इंडस्ट्री का स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है। उसका रीजन मैं बता दूं बच्चों कि आज जो टूरिज्म है वो इनकम का, फॉरेन इनकम का बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमें फॉरेन इनकम को गेन करना है तो बेटा इंटरनेशनल टूरिज्म को हम प्रमोट करें, अपने कंट्री के टूरिस्ट प्लेसों को डेवलप करें। तो जो बेटा फॉरेनर आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बेटा जो यात्रा करता है टूरिस्ट होते हैं वो बेटा अब रईस लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मेला में देखो आप लोगों के पीछे भिखारी नहीं टहलेंगे लेकिन फॉरेनर के पीछे भिखारी टहलेंगे, जानते हो क्योंकि उनको पता है कि आप लोग दोगे तो एक दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये तक दोगे लेकिन एक विदेशी देगा तो 100-200 रुपये की नोट
देकर उन्हें चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं बेटा, उससे बहुत कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल के तौर पर जब वो लोग आते हैं बेटे तो होटल्स में रुकते हैं, तो होटल बिजनेस को भी प्रमोशन मिलता है, होटल बिजनेस का फायदा होता है। इसके बाद बच्चों वो लोग गाड़ियाँ हायर अप करते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप का, उसका भी फायदा होता है। इसके बाद बच्चों वो लोग डिफरेंट होटल्स में खाना वगैरह खाते हैं, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ के लोगों को भी, तो बेटा बहुत ज़्यादा जॉब जनरेशन होता है इन द टूरिस्ट में, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा जॉब जनरेशन है। इस वजह से हर कंट्री आज बेटे टूरिज्म को प्रमोट करता है। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ बच्चों कि स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जो कि यूरोप का कंट्री है, जहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यूएनओ की कई ब्रांचेस के हेड ऑफिस हैं, जैसे जिनेवा है। इंटरनेशनल ट्रेड का हेड ऑफिस बच्चों जिनेवा ही है, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमने बताया अभी, इंटरनेशनल ट्रेड का हेड ऑफिस जिनेवा है। जिनेवा जो है बेटा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड बेटा एक यूरोप का कंट्री है जहाँ की पर कैपिटा इनकम कुछ दिन पहले अमेरिका से भी एक्सीड था, अमेरिका से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का था बेटा, कहाँ के स्विट्जरलैंड के लोगों का। उसका मेन रीजन सिर्फ बेटा टूरिज्म है, वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सफाई को ध्यान रखा जाता है, और बहुत ढेर सारे, अभी भी देखो आप लोग मूवीज में देखो बहुत अच्छी, जब आप सीनरी देखते हो तो आप लोगों के मुँह से एकदम अचानक निकल जाता है कि लगता है स्विट्जरलैंड की सीन है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है, तो सरकार भी बेटे हर कंट्री की सरकार भी बेटे टूरिज्म को इस समय बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और इससे बेटे कई फायदे होते हैं। तो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है, इंक्रीज करता है, नेशनल इनकम इंक्रीज करती है, देश को विदेशी मनी का प्रॉफिट होता है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जॉब्स मिलते हैं। वो लोग आते हैं तो रिक्शा वाले को भी जॉब मिलता है, गाड़ी वाले को भी जॉब मिलता है, ट्रेन को भी रेवेन्यू मिलता है बच्चों, ट्रेन से वो लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, उसका भी रेवेन्यू मिलता है। इसके बाद होटल में रहते हैं, वहाँ के होटल के कर्मचारियों को जॉब मिलता है। इसके बाद बच्चों वो जिस गाड़ी में घूमते हैं गाइड्स को जॉब मिलता है। तो मेरे ख्याल से अलॉट ऑफ प्रॉफिट है हमारे टूरिस्ट को प्रमोट करने पर, टूरिज्म को प्रमोट करने पर। इस वजह से टूरिज्म को अब बेटा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है, तो हमारी सरकार ने टूरिज्म को इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसका बेटा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है कि हमारे जो गलत फहमियाँ रहती हैं, एक गलत फहमी रहती है कि क्या कहते हैं, वो दुश्मन हमारा देश है, हमारा अनभला चाहता है, वो देश हमारा हमारे लिए नॉट गुड, अच्छे आइडियाज नहीं रखता है। ये चीज़ें भी बेटा क्रिएट होती हैं, जो हमारा टूरिज्म है वो बेटे गलत फहमी, जो लोगों के अंदर एक गलत आइडियाज मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है किसी बंदे के लिए या किसी कंट्री के लिए, उसको भी बेटा रिमूव किया जा सकता है। जब कंट्री के लोग, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं पेपर में एक वाकया पढ़ रहा था, एक घटना पढ़ रहा था कि एक लड़की थी, पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब हार्ट में कहते हैं हार्ट में जो भी है उसके वाल में कुछ छेद था, जिसकी वजह से उसके ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। उसको बेटा इंडिया लेके आए वो लोग, उसके मम्मी पापा, चेन्नई में उसका ऑपरेशन किया गया, चेन्नई के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। और बेटे जानते हो सबसे अच्छी बात कि उस कंपनी, जो हॉस्पिटल के मालिक थे, एट लास्ट में उन्होंने उस लड़की का पूरा देखा, मम्मी पापा उसके पुअर थे, तो लास्ट में उन्होंने पूरा उसका बिल माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जाइए हम आपके लिए इतना कर दे रहे हैं। तो बच्चों सोचो कि जब वो पाकिस्तान गए होंगे और पाकिस्तान में लोग उनसे कहते होंगे कि इंडिया के लोग बहुत गंदे हैं, तो बेटा सोचो लोगों का क्या जवाब होता होगा। लोगों का जवाब यही होता होगा बेटा कि आप लोग गंदे हो, इंडियंस लोग गंदे नहीं हैं। या सोचो कि इंडियन, तो मेरे कहने का मतलब जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोग जाते हैं तो एक दूसरे के आइडियाज से वो परिचित होते हैं, एक दूसरे के आइडियाज से कम्युनिकेट करते हैं, और इस सिचुएशन में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, तो इस सिचुएशन में जो गलत फहमी है या गलत मेंटालिटी है वो भी खत्म हो जाती है। या एक कॉर्नर ऑफ कंट्री के दूसरे का एक ही कंट्री के अंदर, तो इससे बेटा कंट्री की इंटीग्रिटी या कंट्री की यूनिटी का प्रमोशन मिलता है, और इंटरनेशनल जो ब्रदर रूट है उसका भी प्रमोशन मिलता है टूरिज्म से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस वजह से हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने बेटा इसको एक इंडस्ट्री का भी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है टूरिज्म को। तो बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर रहा है, इस चैप्टर के थ्रू मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाने की कोशिश किया। मैं एक दिन लाइव क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों इस चैप्टर के बारे में, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में।
भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स ना रह जाए। लेकिन मैं आपको फिर से चैप्टर समराइज किया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बेटे सबसे पहले रोडवेज मैंने पढ़ा, मैंने बताया कि जो ट्रेड है वो जो बेटा मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बताया कि लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। कैरी आउट द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया कि हमारे पास थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला बेटा लैंडवेज, दूसरा वाटरवेज, तीसरा एयरवेज। तो लैंडवेज के थ्रू मैंने तीन टाइप से क्लासिफाइड किया, एक बताया बेटा मैंने रोडवेज, एक बताया मैंने रेलवेज और एक बताया बेटा पाइपलाइंस। मैंने बताया था कि इसमें कॉम्पिटेटिवली क्वेश्चन ये हमेशा आते हैं हाउ रोडवेज इज बेटर दैन द अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बताना पड़ेगा चीप है, लार्ज डिस्टेंस के लिए बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉट ऑफ प्रॉफिट आपको ये बताना। हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बेटे आपको इसका यूज करना ही करना पड़ेगा और रोडवेज का तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और इसके बाद जो लार्ज बल्क अमाउंट में चीज़ों के एक जगह दूसरी जगह कैरी आउट करने के लिए चाहे पैसेंजर हो चाहे मटेरियल हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसके बाद मैंने बताया था चैलेंजेस फेस बाय द रेलवे। फिर इसके बाद मैंने बताया था रेलवे का क्लासिफिकेशन बताया था, फिर मैंने बताया था हिस्ट्री बताया था कब से इसकी स्टार्टिंग हुई। फिर मैंने बताया था आपको मतलब पाइपलाइंस के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में मैंने इसकी लिमिटेशन भी बताई थी और उसका प्रॉफिट भी बताया था। लिमिटेशन यही है कि एक बार जीत जाने के बाद अमाउंट लिमिटेड हो जाता है और दूसरी चीज़ है कि लीकेज की प्रॉब्लम्स वगैरह इसकी लिमिटेशन में आती है। ऊपर की ज़मीन जहाँ पर इसको लेट आउट किया जाता है यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ड्यूरेशन के बाद 10 साल के बाद या 12 साल के बाद इनको हमें रिपेयर करना पड़ता है तो फिर खोदना पड़ता है। इसके बाद बच्चों इनकी कुछ मतलब प्रॉफिट मैंने बताया था कि बिना किसी ट्रैफिक रजिस्टर प्रॉब्लम के ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये पाइपलाइन की फिर मैंने बताया था आप लोगों को बेटा एयरवेज बताया था, मतलब वाटरवेज बताया था। वाटरवेज में मैंने आपको स्पेशली बताया था कि मैप में भी पूछा जाता है और स्पेशली असम का सबसे पहले NW1 पूछा जाता है इलाहाबाद टू यानी प्रयागराज, अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज से हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल हल्दिया सी पोर्ट के तक का ये 1620 किलोमीटर का। दूसरा बच्चों 800 किलोमीटर का प्राग से हमारा जो ब्रह्मपुत्र असम में है सलाया से डिब्रू तक का जो हमारा वो है असम का जो पोर्शन है वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद बच्चों फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाटरवेज के बाद मैंने आपको एयरवेज के बारे में बताया था। और वाटरवेज में बच्चों आपके जो मेजर 12 सी पोर्ट है मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका कांडला है, कांडला के बाद फिर मैंने बताया था पोरबंदर है, पोरबंदर के बाद मैंने बताया था मुंबई है, फिर मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू है। वेस्ट साइड में बेटा ऊपर से नीचे चलते हैं गुजरात से चलते हैं, गुजरात में दो हैं कांडला और पोरबंदर। इसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं तो मुंबई और मुंबई के बर्डन को रिडक्शन करने के लिए मुंबई सबसे बड़ा सी पोर्ट है, इस वजह से इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरा और फिर इसके बाद बच्चों जवाहरलाल नेहरू को सी पोर्ट को डेवलप किया गया इसके बर्डन को कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद फिर बच्चों हम लोगों ने तीसरा जो पढ़ा वो पढ़ा गोवा का मरमांगो और मतलब सी पोर्ट। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं तो कर्नाटका में पहुँचते हैं, कर्नाटका के बेटे मैंने न्यू मंगलोर या मंगलोर पोर्ट के बारे में बताया था। और इसके बाद तूती कालीकट के बारे में बताया था। इसके बाद बच्चों कालीकट के बाद फिर हम लोगों ने कोची सी पोर्ट के बारे में पढ़ा था जो कि केरला में है, कोची सी पोर्ट के बाद तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है जो कि चेन्नई के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। फिर मैंने बताया था चेन्नई सी पोर्ट जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट सी पोर्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। फिर मैंने बताया था बच्चों विशाखापट्टनम जो कि क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का। फिर ऊपर हम लोग चलते हैं बेटा तो पैरादीप क्या कहते हैं उड़ीसा का। और फिर इसके बाद मैंने बताया था हल्दिया एंड फिर इसके बाद नदी में स्थित हम लोगों ने कोलकाता के बारे में डिस्कस किया था। तो जो 12 सी पोर्ट है इंपॉर्टेंट है मैप के लिए बच्चों। इसके बाद फिर मैंने एयरवेज पढ़ाया था कि चीपेस्ट वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है लेकिन कम्फर्टेबल होता है, कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसके बाद बच्चों ये फर्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ज़्यादा